सो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। सो दोस्तों आज की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, अभी तक कोई फाइनल नहीं किया है और दिल्ली में जाके पता करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये मेरे फ्रेंड मिस्टर रॉबिन और पंकज इज हियर, तो ये दोनों छोड़ने आए हैं मुझे यहाँ पे। तो गाड़ी आई है 90-100 की स्पीड में यहाँ पे भाई, तब जाके ट्रेन पकड़ी है और ट्रेन का है रानीताल तक, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ तक वहाँ तक जाऊँगा, फिर उसके बाद ही हिचहाइकिंग करेंगे हम, नहीं तो फिर बस मिल गई जैसे भी होगा, पॉसिबिलिटीज हैं वही रहेंगी। तो रॉबिन कैसी रही आज की मॉर्निंग का ड्राइव आपका? आप ही बताएंगे। जबरदस्त ये भाई, और ट्रेन भी लग चुकी है, टिकट काउंटर अभी ओपन है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा। सो अचानक ही प्रोग्राम बनाया दिल्ली जाने का भाई, तो चंडीगढ़ दिल्ली पता नहीं शिमला कहीं पे भी जा सकते हैं, कलकत्ता कुदू भी, कोई भी पता नहीं है। सो गुड मॉर्निंग, ये है हमारा जो रेलवे स्टेशन है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो उस पर पहले भी बनाई है, दो तीन वीडियो। तो ये जो जगह है ये है बैजनाथ में, और ये रेलवे स्टेशन 1929 का है और इतना पुराना है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जैसे कि बाकी जगह भी है। तो आज हम इसी से ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि आगे हमारी जर्नी किस तरह की और कितना ड्यूरेशन टाइम लगता है हमें रानीताल पहुंचने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ। दूर देश से आए हो, रोटी साथ लाए हो, क्या बोला जल्दी जल्दी पराठे मूली के भाई। ये भाई शर्ट लगेंगे अभी थोड़ी देर में, आपको खुला काउंटर। है ऐसे जोड़ रही है, चलो ठीक है। पंप कोई जड़ी लाली होंगी ना एकदम, ये बड़ी अच्छी होंगी, बड़ी अच्छी है ठीक है। इन्हें प्रिपेयर करने हैं और जाना है, इतने बजे जाना, अगर नहीं अब कहाँ बाकी करी थी, जल्दी थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा टाइम लगता है, ट्रैवलर बंदे ही जाते, क्या बोले। हाँ वो बीडी चली है, क्या क्या पाया हो रहा है, देखो जैसे कोई पहले कर ठीक है पंकू है ना। अगर आप इस टाइम से बैजनाथ से वहाँ जाओगे ना पालमपुर, तो 35 रुपये टिकट है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी इकोनॉमिक, वेरी बेस्ट है ना। चुक लिए बैग कने, पकड़ी पा अपनी सीट। आज आज ये वाला जूते कड्डे नहीं है ना, कैड़ी दे जो ये जूते नहीं ना चाहिए तीजो डैडी तो देनी थे ना नहीं तो रहे करने आए हैं हम। ये ऑपोजिट है, डायरेक्शन के ऑपोजिट है ये। हां इन्हें ट्रेन जानी था। हां यस ये घूमी आना फिर ये ना डायरेक्ट ये नहीं। हां डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो हम दूसरी जगह जाएंगे। आगे देखते हैं ये वाला
में जा रहे हैं अभी नए पहाड़ों की खोज में। तो आज टाइम कंफर्म हो गया, वैसे 9:15 का टाइम था और अभी टाइम हो रहा है 9:35। तो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रूल के हिसाब से हमारी ट्रेन हमेशा ही लेट चलती है। बाय कर, ठीक है फिर बाय। गाइस ये हैं खूबसूरत नज़ारे हमारे धौलाधार पहाड़ों के, और इस टाइम पे ये सुहाना मौसम इस टाइम पे, और फैब महीना चल रहा है और काफ़ी मनोरम दृश्य है भाई। ये है पुनखट, भाई ये है पालमपुर आने वाला है थोड़ी देर में, अभी पहुंचे हैं हम। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे पालमपुर में, जो पालमपुर का ठाकर द्वारा के नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है तो उसमें एंटर कर गया, और ये पपरोला से महज आधे घंटे तक पहुंची इस जगह पे। सो भाई अभी पहुंचे हम पालमपुर में, ये है भाई पालमपुर के खेत और सामने धौलाधार पहाड़। अभी हम पहुंचने वाले हैं परोर के नेर भाई। भाई ये है अपना यहाँ पे परोर के पास नेरवाई जो आगे है, यहाँ पे आश्रम है आपको सभी को पता है उस जगह की जगह है ये। तो यहाँ पे शायद राधा स्वामी डेरा वगैरह कुछ इस तरह का, तो किसी टाइम पे यहाँ पे ये जगह पे ट्रेन ही रुकती थी, रात के टाइम पे काफ़ी चोरियाँ वगैरह हुआ करती थी तो दरवाजे लोग बंद वगैरह कर दिया करते थे। तो ये है भाई आश्रम यहाँ का, ये है भाई आश्रम। सो भाई अभी पहुंच गए नगरोटा, और यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है एज कंपेरिजन। तो गाइस अभी पहुंचे हम नगरोटा की तरफ, ये भाई, और अभी लगेगा अप्रोक्सीमेटली एक और आधा घंटा लगेगा, एक घंटा। भाई यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए ट्रेन रुकी है और वी आर ये ट्रेन, चलो। भाई इस ट्रेन का ये फायदा है, आप धूप वगैरह सेक के भी दोबारा चढ़ सकते हो। तो ये लोग यहाँ पे ट्रेन से उतर के क्रॉसिंग हुई और यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, और उसके बाद फिर चढ़ेंगे ट्रेन पे। सो भाई कांगड़ा मंदिर की नीरवाई पहुँचने वाले हैं हम जी। सो गाइस ये है टांडा मेडिकल कॉलेज।
शो भी आने वाला है यहाँ पे, सबसे बड़ा आर्क ब्रिज, और बहुत थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। और आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। तो सामने यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट वगैरह है सारा। आ गया है भाई वो ब्रिज। के हम मेन कांगड़ा में, ये ऐसे नज़ारे कहाँ मिलेंगे। साथ में ट्रेन चल रही है और साथ में ही नदी चल रही है, सामने ही माउंटेन्स, और एक अलग ही नज़ारा। थोड़ी देर में बातू ब्रिज भी आ जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है इस पर, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ रानीताल पे अगेन। और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था पिछली बार, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ही एक बार फिर यहाँ से चलते हैं। कन्वीनियंट भी है, बस स्टैंड भी है और हर चीज़ सही है। और एक बार फिर टनल आ गई है भाई, टनल ही टनल्स, मतलब ये थर्ड टनल है अभी कांगड़ा के स्टे रोड के बीच में। और अभी बात तो आ गया भाई फाइनली एक बार फिर बातू ब्रिज। गया भाई हमारा लास्ट स्टेशन ज्वालामुखी। सो भाई मैं पहुंच गया हूँ अभी यहाँ पे रानीताल, तो अभी निकलते हैं आगे नेक्स्ट चंडीगढ़ के लिए। बाय 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 बाय। तो हम पहुंचे ज्वालामुखी रोड, चलते हैं वॉशरूम वगैरह करके फ्रेश होके आगे पकड़नी है भाई हमें बस। बाय बाय ट्रेन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो भाई रानीताल से मुझे मिल गई थी बस ये CTO चंडीगढ़ तक, और अभी इसी में जा रहे हैं और हालत खराब हो रही है भाई। है तो ये पूरी मतलब जो भी, ये है हमारी बस चंडीगढ़ तक। भाई सिटी में आते ही हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो गया है भाई, ताकि कांग्रेस। सो एक बार फिर लौट आए हैं भाई शहरों में, और ये इस चीज को काफी दिन से मैं मिस कर रहा था, वो मिल गई देखने को, ये हंगामा, ये रोला रप्पा।